हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल लेट्स अनफोल्ड में। आज फिर से हम आ गए हैं आपके लिए बहुत से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेके। हम रोज बहुत सी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, अक्सर हमें ये मालूम ही नहीं चलता कि इन चीजों की कुछ खास बातें भी हैं और पर्पस भी। इस वीडियो को भी अंत तक जरूर देखें और हमें कमेंट करके ये भी बताएं कि आपको सबसे हैरानी वाली चीज कौन सी लगी। आप हमें सजेस्ट भी कर सकते हैं कि आने वाले वीडियोस में हम आपके लिए क्या नया लेकर आए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमें लाइक और सब्सक्राइब करें, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा। नंबर एक, नेक ऑफ अ बियर बॉटल। हमने देखा है कि अक्सर हर बियर बॉटल की शेप सिमिलर होती है, जिसमें बॉटल की नेक लंबी और थिन होती है। क्या ऐसा इसलिए था ताकि बियर बॉटल्स को कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल से डिस्टिंग्विश कर सके? जी बिल्कुल नहीं। ऐसा डिजाइन इसलिए यूज किया गया था ताकि बियर पीते हुए बॉटल को नेक से होल्ड किया जा सके और बियर हमारे हाथों की गर्मी से गर्म ना हो जाए। नंबर दो, एरो ऑन फ्यूल इंडिकेटर कंसोल। क्या कभी आपके साथ ऐसा भी हुआ है कि आप पेट्रोल पंप पे फ्यूल डलवाने जाएं और गाड़ी को पार्क करें और फिर आपको ये ध्यान आए कि आपकी गाड़ी का फ्यूल टैंक तो दूसरी तरफ है? जी हाँ, आपके फ्यूल लेवल इंडिकेटर में एक एरो होता है जिसका पर्पस आपको ये रिमाइंड कराना होता है कि आपकी गाड़ी में फ्यूल टैंक है किस तरफ। नंबर तीन, फिफ्थ पॉकेट ऑन योर जीन्स। आपने अपनी जीन्स में एक तरफ एक छोटी सी पॉकेट नोटिस की होगी, जिसमें अक्सर हम लोग या तो कुछ सिक्के, नोट या फिर लिप बाम जैसी छोटी चीजें रख देते हैं। पर कभी आपने ये भी सोचा है कि ये पॉकेट बनाई क्यों गई थी? दरअसल 19वीं सदी में अमेरिकन गोल्ड माइनर्स और लेबर्स अक्सर जीन्स पहना करते थे। ये इसलिए नहीं कि ये देखने में अच्छी लगती थी, बल्कि इसलिए क्योंकि ये जल्दी गंदी नहीं होती थी और फटती भी नहीं थी। ये गोल्ड माइनर्स अपनी इसी छोटी सी पॉकेट में एक पॉकेट वॉच को सेफली रख पाते थे, क्योंकि पॉकेट वॉच महंगी भी आती थी और उन्हें उस टाइम समय देखने की जरूरत भी बहुत पड़ती थी। नंबर चार, होल इन योर पेन कैप। क्या बचपन में कभी आपके मन में ये सवाल आया है कि पेन कैप में एक छोटा सा होल होता क्यों है? अक्सर सभी को ये लगता है कि ये होल शायद इंक को मेंटेन करने के लिए होता होगा, पर ऐसा नहीं है। एक्चुअली पेन बनाने वाली कंपनीज ने ये सोचा कि अगर कभी बच्चे गलती से पेन कैप को स्वॉलो कर लें और कैप गले में अटक जाए, तो इस छोटे से होल के जरिए लंग्स में एयर जाती रहेगी और मेडिकल हेल्प लेने के लिए टाइम मिल जाएगा। नंबर पांच, होल इन अ कोल्ड ड्रिंक कैन स्टैप। हर कोल्ड ड्रिंक कैन में एक मेटल टैब आता है, जिसे पुल करके कैन आसानी से ओपन हो जाता है। चाहे ये मेटल टैब हर ड्रिंक के कैन पर अलग अलग शेप का हो, पर हर मेटल टैब में एक छोटा सा होल जरूर होता है। अक्सर हम ये महसूस करते हैं कि इस मेटल टैब से हम आसानी से कैन को ओपन कर पाते हैं, पर इस होल का एक और पर्पस भी होता है। एक्चुअली ये एक स्ट्रॉ होल्डर का भी काम करता है, जिसमें आप स्ट्रॉ डालकर अपनी ड्रिंक को आसानी से एंजॉय कर सकते हैं। नंबर छह, डिटैचेबल हेडरेस्ट इन अ कार। वैसे तो हेडरेस्ट को एडजस्टेबल बनाया जाता है ताकि हर आदमी अपनी हाइट और कंफर्ट के अकॉर्डिंग अपने हेडरेस्ट को एडजस्ट कर सके। पर क्या आपने कभी ये भी सोचा है कि हेडरेस्ट फुल्ली डिटैचेबल क्यों होते हैं और हेडरेस्ट के नीचे दिए गए दो स्टील रॉड्स के टिप्स डल क्यों होते हैं? दरअसल ये एक सेफ्टी फीचर है। अगर आप कभी अपनी गाड़ी में ट्रैप हो जाएं, तो हेडरेस्ट को रिमूव करके नीचे दिए इन्हीं दो स्टील रॉड्स की मदद से विंडोज को ब्रेक कर सकते हैं और आसानी से कार से बाहर आ सकते हैं। नंबर सात, रबर बम्प्स इन द ग्रूव्स ऑफ टायर ट्रेड्स। वैसे तो टायर्स के ये ट्रेड्स के बीच में छोटे छोटे टाइनी रबर बम्प्स दूर से नजर भी नहीं आते, पर इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्पस भी है। अगर ये छोटे छोटे बम्प्स घिस जाते हैं, तो इससे आसानी से ये इंडिकेट हो जाता है कि टायर्स को बदल देना चाहिए। नंबर आठ, द होल्स इन अ पैडलॉक। लॉक्स अक्सर बारिश में भीग जाते हैं या मॉइस्चर और रस्टिंग के कारण अक्सर चाबी से खुलते नहीं है। बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि लॉक्स के नीचे होल दिए जाते हैं, जिनमें आप आसानी से मशीन का तेल डाल सकते हैं, जिसके बाद लॉक्स स्मूथली ओपन किए जा सकते हैं। नंबर नौ, नोटबुक मार्जिन्स। अगर हमें ये महसूस होता है कि नोटबुक मार्जिन्स लिखते वक्त सिर्फ सीरियल नंबर्स डालने या पेपर्स को पंच करने के लिए और फाइल में लगाने के लिए दिए जाते हैं, जी हाँ,
ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पुराने समय में पेपर्स के एजेस को चूहे खा जाते थे, इसलिए पेपर्स पे मार्जिन्स दिए जाते थे ताकि अगर चूहे आपके रिटर्न मटेरियल के एजेस को खराब करने लगे तो समय रहते ही ये भी पता लग जाए कि आपको अपने रिटर्न मटेरियल को बचाना है। नंबर 10, प्लास्टिक कैप ऑन द यूटिलिटी नाइफ ब्लेड। यूटिलिटी नाइफ ब्लेड की कैप को देख के ऐसा जरूर लगता है कि ये नाइफ को पॉकेट से क्लिप करने के लिए दिया गया होगा, पर इसका एक और जरूरी पर्पस भी है। इस प्लास्टिक कैप को पुल करके ब्लेड के यूज टिप को ब्रेक करने के लिए यूज किया जा सकता है, जिससे नीचे से एक और शार्प ब्लेड उभर आता है। तो ये थी कुछ रोचक जानकारी। कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि इनमें से कौन सी चीज आपको पता थी और कौन सी चीज आपके लिए नई थी। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।